हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको PPSC की सारी पोस्टें जो अब तक आई है, कितनी वैकेंसी किस विभाग से आई है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बहुत बड़ी खबर है आज, हालांकि अखबारों में भी दिया हुआ था कि इस सप्ताह जो कि विज्ञापन आ सकता है। तो सीरियली वाइज देखते हैं कि किन विभागों में कुल कितनी सीटें जो कि आई है। तो आप नगर विकास एवं आवास विभाग नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद जो आप अखबारों में भी बार बार देख रहे होंगे, और ये ग्रेड पे जो है लेवल 7 की है। तो ये जो है आपको 110 पद है। जल संसाधन विभाग से 0, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से 0, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से 0, विधि विभाग से 0, मत्स्य निदेशालय से 0, खान एवं भूतत्व विभाग से 0, श्रम संसाधन विभाग 8वां नंबर पर आप देख सकते हैं। तो नियोजन पदाधिकारी अवलिक जिला नियोजन पदाधिकारी के 2 पद है। तो ये बड़ी खबर है कि आप इसको पोस्ट वाइज भी पहले से भी देख सकते हैं। शिक्षा विभाग में बिहार शिक्षा सेवा के 12 पद हैं। योजना एवं विकास विभाग सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक के कितने पद हैं, तो 52 पद हैं। समाज कल्याण विभाग सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा या सहायक सामाजिक सुरक्षा कितने होंगे, 12, और सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई के 4 पद है। गन्ना उद्योग विभाग के 0 हैं, संसदीय कार्य विभाग के 0, वित्त विभाग के 0, उद्योग विभाग के 0, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 0, पथ निर्माण विभाग के 0। मतलब आपको एक एक पोस्ट पर किसकी आई है, किसकी नहीं आई और कितनी सीटें आई है। अब आप देख लिए 17 तक। अब 18वां नंबर पर देखते हैं क्या है। लघु जल संसाधन विभाग से आपको 0 पद है। खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आपूर्ति निरीक्षक के 4 है, बहुत कम सीटें हैं इसमें और ये लेवल 7 की पोस्ट है। निर्वाचन विभाग के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के 4 पद। सहकारिता विभाग में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समिति एवं समकक्ष 5 पद है। श्रम संसाधन श्रम अधीक्षक के 2 पद है, बहुत कम है। गृह विभाग विशेष शाखा जिला समादेष्टा के 0। पंचायती राज विभाग प्रखंड पंचायती राज विभाग पदाधिकारी के 18। परिवहन विभाग में बिहार परिवहन 0, ग्रामीण कार्य विभाग में 0, ऊर्जा विभाग में 0 है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 0 है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी 0 है। जिसको RO का रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व एवं भूमि सुधार का, तो ये आपको जो है 36 पद है। उसके बाद आते हैं वाणिज्यकर विभाग में जो कि आपको राज्य कर आयुक्त के 21 हैं। ग्रामीण विकास विभाग RDO के 133 है। और आज आपने जैसा कि अखबार में देखा है कि आपको बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद है, तो ये SDM के जो कि 88 पद है और 503। लेकिन इस ये सब चीज़ तो कुछ कुछ सीटें आप लोग जानते थे, जो नहीं जानते थे कि DSP की कितनी है, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। अब देखते हैं ये जो 163 पद है इसके बारे में आप देख ले। तो गृह विभाग आर्ची बिहार पुलिस सेवा के DSP के जो हैं आपको 20 पद हैं, ये आपको सूचना बहुत कम जगह मिली होगी। अब देखिए उसके बाद गृह विभाग के बिहार प्रोबेशन सेवा के 4 हो गए। निगरानी विभाग में पुलिस सेवा के 0 हैं, काराधीक्षक के लेकिन 3 पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार प्रोबेशन सेवा के जो कि 4 हैं। श्रम संसाधन विभाग श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 65 पद है जो कि आपको ये लेवल 7 की। अवर निबंधक के जो कि निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध 11 है। और उसके बाद अनुसूचित जाति एवं कल्याण पदाधिकारी जनजाति कल्याण विभाग के जो कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी या अनुसूचित जनजाति कल्याण 52 पद हैं। और सहकारिता विभाग में सहायक निबंधक सहयोग समिति के 8 पद, टोटल 163 है। तो इसको अगर मिला दिया जाए तो 666 पोस्ट, 503 और 166 पद जो है आपको है। तो क्या ये जो 52 पद है ये योजना विकास पदाधिकारी के नहीं, ये अलग हैं। तो मतलब 666 पद का है जो कि पूरी विवरणी है जो कि आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर आज सवेरे भी है कि SDM के 88 और जो नहीं जान रहे तो क्या है DSP के भी 20 पद। मतलब साफ है कि ये जो BPSC है 67 भी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है और इतनी अच्छे पोस्ट है जो कि बहुत कम बार है जो कि निकले और अभी तक है जो कि 666 पदों की विवरणी है जो कि आपको आ गया। विज्ञापन भी जैसा कि दिया तो बुधवार को ज़्यादा संभावना, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं निकला तो शनिवार या सोमवार को जो कि जारी
हो सकती है। तो 67वीं BPSC तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और इसकी तैयारी जहां तक बात है कि क्या अब से क्या प्लान, बहुत सारे लोग तो तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि कट ऑफ भी काफ़ी हाई जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी वही मेंटेन है, करेंट अफेयर्स का भी लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा थॉरो करेंट अफेयर्स पढ़े, चाहे बिहार स्पेशल पढ़े या अन्य विषयों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये ल्यूसेंट और ये जो एक बुक पर जो डिपेंडेंसी है वो अब छोड़ना पड़ेगा। आपको सेट प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया था और डीपली भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपरी लेवल का क्वेश्चन BPSC में काफ़ी अब कम रहता है। अगर मैथ और साइंस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे प्रश्न मॉडरेट रहते हैं। हाँ, मैथ में आसान रहते हैं कि आप 9 मार सकते हैं 10 में, या 10 में 10 भी मार सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स कब से पढ़ें? तो करेंट अफेयर्स जो है आप अगर सेफ्टी से भी, क्योंकि दिसंबर में परीक्षा होने वो भी टलने के ज़्यादा आसार है क्योंकि 5 तारीख को जो बिहार दरोगा प्री थी वो बढ़ा दी गई, तो आपको 2021 जनवरी से कम है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसे काम चलाओ पढ़ना पड़े, करेंट अफेयर्स कोई काम नहीं दिलाएगा। वहाँ पर फिर 13-15 आप सही करेंगे तो उससे रिजल्ट से आप सीधे बाहर जाएँ कट ऑफ, क्योंकि आपने देखा होगा 108 चले गए, तो कम से कम है जो कि 105-110 जनरल की मानकर तैयारी करनी पड़ेगी। और साइंस सेक्शन में कि कौन सी बुक, तो एक स्पेशल जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ो ढंग से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पर है थोड़ा सा, अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं क्वेश्चन गलत होती है सेट बनाते हैं तो वहाँ पर है जो क्वेश्चन गूगल हो या किताबों से खोजे, जितना आप सर्च करेंगे उतने आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो 67वीं BPSC के लिए आपने पोस्टों को देख, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ या जो मेन पद है, तो इसमें आपको कुछ नए पद भी होंगे, 52 पद है जो कि आपको सहायक योजना पदाधिकारी के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं DSP के पद है 20 पद हैं और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 65, मतलब 163 इधर हो गए 7 पद के, और इधर जो है आपको 503, तो मतलब 666 पद है जो कि टोटल अधियाचना आ चुकी है। और उम्मीद है घोष कि और भी सीटें जो कि अभी बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ी तो कम से कम 666 पद तो ज़रूर रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको ये खबर है जो कि अच्छी लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद।